हेलो स्टूडेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स, सुप्रभात। इस क्वेश्चन का जब भी आप वीडियो देखेंगे उस हिसाब से आज एक खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन करने का मौका है। थैंक्स टू नीरज भैया, आपने पूरा देशवासियों को आज गर्व महसूस करवाया। इसी के साथ हमारे एक छोटे बच्चे ने क्लास 9 का ये पूछा कि सर ये नीरज भैया जैवलिन को कितने वेलोसिटी से थ्रो किए। हम बोले कि ये तो टीवी में नहीं दिखाया, तो कैलकुलेट करके दिखा देखते हैं कि कितना वेलोसिटी से नीरज भैया ने जैवलिन को थ्रो किया। ठीक है ना, देखो ये तो जरूर बताया होगा टीवी वालों ने कि ये नीरज भैया अखबार में आया होगा, टीवी में आप देखे होंगे, मैच के समय भी देखे होंगे। ये रेंज जो उनका था वो था 87.58 मीटर। ठीक है, उनके जो कोच था, जो कोई भी कोच होते हैं जैवलिन का, उनका काम क्या होता है, वो आपको सिखाते हैं रेंज मैक्सिमम। फर्स्ट कौन आएगा, जिसका रेंज मैक्सिमम होगा। तो ये रेंज मैक्सिमम करने के लिए नीरज भैया ने पूरा ताकत लगा दिया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो यू है, खा पी करके एक्सरसाइज करके वो एकदम फिट बन करके यू मैक्सिमम दे दिया। लेकिन उनके हाथ में और एक चीज भी था जिसके ऊपर उनको काम करना चाहिए था, अभ्यास करना चाहिए था, वो है कितने एंगल पर वो प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है ना, भाला को कितने एंगल से इसको प्रोजेक्ट करने से, फेंकने से ये रेंज मैक्सिमम होगा और हमें गोल्ड मिल जाएगा। सिंपल बात है ना। तो रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग ने पढ़ा है r=u² sin² u² sin 2θ अपन जी होता है। जब आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए होता है तब आपको साइन 2θ को मैक्सिमाइज कराना होता है, यानी कि ये साइन 2θ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो रेंज मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला आपके पास मिल जाएगा u² / g। और ये कितने एंगल पर होता है, θ = 45 डिग्री एंगल पर होता है। जब आपको ये भाला सबसे दूर, ज्यादा दूरी तक फेंकना होता है, रेंज मैक्सिमम कवर कराना होता है, तब आपको एंगल ध्यान रखना होता है, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करना होता है। ये सबसे पहला नियम होना चाहिए कि 45 डिग्री से आप फेंकोगे तब जाकर के रेंज आपका मैक्सिमम हो पाएगा अपना ताकत के हिसाब से। So, थीटा तो कन्फाइंड है, थीटा जो है वो फिक्स है, 45 डिग्री करके आपको प्रोजेक्ट करना है। अब ताकत दिखाइए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। देखो रेंज उनका जो मैक्सिमम आया वो है 87.58 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे बच्चे ने पूछा कि सर ये नीरज भैया कितने वेलोसिटी से फेंके होंगे, वो निकाल रहे हैं अपन। सो यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू 9.8 ले लो। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 87.58 × 9.8। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो होगा 87.58 × 9.8, इसका अंडर रूट। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ 29.29, यानी कि नियरली इक्वल टू 29.3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। सो हमारे नीरज भैया ने इस भाला को कुछ लगभग नियरली इक्वल टू 29.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया होगा, यानी कि कुछ वेलोसिटी जो उनका है वो 20 एंगल एग्जैक्टली 45 शायद नहीं हो। सो 29 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 30 मीटर पर सेकेंड के बीच में ये जो उनका इनिशियल वेलोसिटी है शायद वो 29 से 30 मीटर पर सेकेंड के बीच में होगा। अगर वो एग्जैक्टली 45 में प्रोजेक्ट किए होंगे, इतना अगर परफेक्शन आ गया होगा कि 45 में ही प्रोजेक्ट किए होंगे, तो आंसर एकदम 29.3 मीटर पर सेकेंड में वो इसको फेंके होंगे। ठीक है ना, देखो हमने कहा था ना कि फिजिक्स हर जगह होता है। आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप अपने जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में हर जगह आप फिजिक्स को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। छोटे छोटे चीजों में खुशियां होते हैं और फिजिक्स को ये छोटे छोटे चीजों में हमने यहाँ पे नोटिस करना सीखा और एंजॉय करना सीखा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।